दोस्तों आप देख सकते हैं यह DTH का मदरबोर्ड है जिसका इनपुट सप्लाई 3.3 वोल्ट है। अगर कभी ऐसा होता है कि यह जो DTH का पावर सप्लाई है 3.3 वोल्ट की जगह अगर इससे ज़्यादा वोल्ट जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 वोल्ट अगर बन जाएगा तो यह जो मदरबोर्ड है ख़राब हो जाएगा, या फिर अगर आपके पास USB किट है जो कि 5 वोल्ट सप्लाई पर चलता है, अगर दोस्तों यह भी 5 वोल्ट की जगह अगर ज़्यादा वोल्ट से सप्लाई मिल जाए तो यह भी हमारा ख़राब हो जाएगा। तो आज दोस्तों मैं आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इसे ख़राब होने से बचा सकते हैं। अगर हाई वोल्ट हो जाता है तो आपका जो बोर्ड है वह सेफ रहेगा। तो आप दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा पूरा पूरा कंप्लीट देखिएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे 5 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो ब्लूटूथ किट है हमारा ऑन हो चुका है और यह 5 वोल्ट सप्लाई से चालू होता है। अगर दोस्तों इस पर भी 5 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई आ जाए तो यह जो किट है ख़राब हो जाएगा। इस पर जो सप्लाई है तो आप देखेंगे इस प्रकार से 7805 रेगुलेटर IC के माध्यम से इस पर सप्लाई आता है। अगर दोस्तों कभी यह ख़राब हो जाता है इसका जो आउटपुट है 5 वोल्ट की जगह 11 वोल्ट निकलने लगता है, इससे कई बार यह जो किट है ख़राब हो जाता है। तो आप दोस्तों इस किट को ख़राब होने से किस प्रकार से बचा सकते हैं, जैसे कि इसका जो इनपुट सप्लाई है 5 वोल्ट है, इसका 3.3 वोल्ट है, इसका भी 5 वोल्ट है। जिस भी बोर्ड का इनपुट सप्लाई जितना है तो आपको दोस्तों क्या करना है, इसका जो इनपुट सप्लाई है जैसे कि 5 वोल्ट, तो आपको 5 वोल्ट का एक जेनर डायोड ले लेना है। और आपको इसका जो ग्राउंड होगा आपको जेनर डायोड का यहाँ आपको सोल्डिंग करना है। इस प्रकार से और जेनर डायोड का जो कैथोड है आपको इसके 5 वोल्ट वाले पिन पर आपको इसका जो पिन है पॉइंट है आपको सोल्डिंग कर देना है। इस प्रकार से अब दोस्तों मैं आपको इसे इससे 5 वोल्ट सप्लाई से चालू करके भी एक बार दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यह हमारा चालू हो चुका है। अब कभी दोस्तों ऐसा होता है कि 5 वोल्ट की जगह यहाँ अगर 12 वोल्ट आ जाए तब भी आपका यह जो किट है ख़राब नहीं होगा। आप इस जेनर डायोड का उपयोग सेफ्टी के लिए करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इस पर 12 वोल्ट सप्लाई भी देकर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास यह 12 वोल्ट का एडाप्टर है, सेटअप बॉक्स का एडाप्टर। अब दोस्तों अगर कभी ऐसा होता है कि इस पर जो सप्लाई है तो 5 वोल्ट की जगह अगर 12 वोल्ट चला जाता है तो आपका यह किट सेफ रहेगा। अब दोस्तों मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ इस पर
क्या होता है। अगर कभी भी 5 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई यहाँ आएगा तो आपका जो जेनर लगा हुआ है यह शॉर्ट हो जाता है, इससे आपका जो है वोल्टेज है तो ड्रॉप हो जाएगा। दोस्तों मैं इसे चालू करता हूँ तो आप देखिएगा ये जो जेनर डायोड है यह शॉर्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो जेनर डायोड है यह शॉर्ट हो गया है, आप देख सकते हैं किट हमारा ऑन नहीं हो रहा है। अब मैं इसे बाहर करके और आपको जेनर डायोड को ओपन करके दिखाता हूँ और मल्टीमीटर पर दोस्तों मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो डायोड है हाई वोल्टेज पाने से शॉर्ट हो गया है, 5 वोल्ट से ज़्यादा जाने पर यह शॉर्ट हो चुका है और शॉर्ट होने के कारण आपका जो आगे का सर्किट है तो सेफ हो जाता है, ख़राब होने से बच जाता है। अब दोस्तों मैं आपको इसे दोबारा से इस 5 वोल्ट अडाप्टर से चालू करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो हमारा सर्किट है ख़राब नहीं हुआ है, केवल हमारा जेनर डायोड ख़राब हो चुका था। इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर जो उसका इनपुट सप्लाई है, जैसे कि अगर मान लीजिए 5 वोल्ट सप्लाई है तो आप 5 वोल्ट का जेनर डायोड लगा सकते हैं, अगर इनपुट सप्लाई 12 वोल्ट है तो आप 12 वोल्ट का जेनर लगा सकते हैं। इससे आपका कभी भी अगर वोल्टेज बढ़ता है तो आपका जो सर्किट है ख़राब होने से बच जाता है। अगर दोस्तों आप चाहें जेनर डायोड लगाने के पहले आप एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं जिसका वैल्यू आपको ओम में रखना है, जब आपका जेनर डायोड शॉर्ट होगा तो आपका रेजिस्टेंस भी ओपन हो जाएगा। अगर दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नमस्कार।